नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खंड शिक्षा अधिकारी के लिए संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो ऊपर से हो रही आई बटन पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। उस भाग में हमने संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नों को देखा था। दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को से संबंधित प्रश्नों को जानने से पहले हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। कुल मिलाकर के बात यह है कि संविधान के भाग 3 तथा 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं और पहला प्रश्न होगा हमारा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही उत्तर होगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये हमारे संविधान में नहीं हो सकता क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसलिए ये नीति निदेशक तत्व ही नहीं, ये संविधान का ही हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, भारत का जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो इसका भी उत्तर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा मौलिक अधिकारों में तो नहीं है, और तीसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भी राज्य को ये निर्देश देते हैं, कल्याणकारी राज्य से संबंधित निर्देश राज्य के निदेशक तत्वों में भी है। तो आपका पहला और तीसरा दोनों सही है। इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है, जिसमें एक तथा दो, तीन दोनों में नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई जगह पे कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांत हैं? तो नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, मतलब इसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और मौलिक अधिकारों को आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर मौलिक अधिकार से संबंध इसका उत्तर होगा वाद योग्य। तो अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? तो ये उत्तर होगा इसका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का ये अंग है, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों सिद्धांतों का अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा समान काम के लिए समान वेतन, मतलब उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है, कानून के समक्ष बराबरी ये भी मौलिक अधिकार है, और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। जबकि समान काम के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार न हो करके ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निहित है? तो आपका सही उत्तर होगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो इसमें कौन सा निहित नहीं है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये नीति निदेशक सिद्धांत का अंग नहीं है। ये चीज़ जरूर देख लेना चाहिए कि कौन सा इसमें नहीं है और कौन सा है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आपका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40।
अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 43 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा समान आचार संहिता। तो इसका मतलब बाकी जो तीन ऑप्शन है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में जोड़े गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, और तीसरा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये नीति निदेशक तत्व का तत्व ना होकर के ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। बाकी मद्य निषेध, गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण ये नीति निदेशक तत्व के से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका सही उत्तर होगा निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। इसका मतलब ये होगा कि मौलिक अधिकारों को आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं जबकि निदेशक सिद्धांतों को आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर होगा राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। बाकी तीन जो ऑप्शन है, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ये भी नीति निदेशक सिद्धांत के तत्व हैं, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता, और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब वह 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर लें, ये सब नीति निदेशक सिद्धांत के अंग हैं। बाकी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा मुफ्त कानूनी सलाह, ये संविधान में बाद में जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सूचना का अधिकार। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।